हर हर महादेव। एक पंडित जी हैं जिन्होंने नाम नहीं बतलाया है, अपना स्थान इत्यादि नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न जो है वो सर्वोपयोगी है, इसलिए इस पर कुछ विचार करते हैं। उनका प्रश्न है कि क्या अस्थि विसर्जन करने परिवार के कई लोग जा सकते हैं। उन्होंने पूरा घटनाक्रम लिखा है कि भाई आजकल ऐसा होता है कि परिवार की जो बहनें या और रिश्तेदार आए हुए हैं उन लोगों को लेकर के, और जिसने दहन किया है ख़ास रूप से उसको लेकर के, और भी परिवार के बहुत से लोग कोई गाड़ी बस इत्यादि करके और एक उत्सव के रूप में, और सब लोग वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन रहते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो खिंचाना और ये सब काम करते हैं, और वैसे वो वहाँ जो प्रक्षेपित कर आते हैं, फिर और भी काम, फिर वहाँ गए हैं किसी तीर्थ में, दो तीर्थ घूमना, ये सब काम करना, ये सब करते हैं, क्या ये उचित है? अस्थि विसर्जन करने कौन जाए और कितने लोग जाए, कब जाए, कैसे जाए, ये जो है इस विधि पर चर्चा करते हैं। यद्यपि इसकी कुछ अन्य बातें अस्थि विसर्जन से संबंधित, कब तक अस्थि विसर्जन हो जाना चाहिए, कितने दिनों तक हो जाना चाहिए, इन बिंदुओं पर विचार हो चुका है, एक वीडियो बना करके आपको प्रेषित किया है, आप लोगों ने उसको बहुत ही सम्मान भी दिया है। बात यह है कि प्रश्नकर्ताओं से एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम नहीं बोला गया, फिर कई कई जगह जो है लिखते रहते हैं हमारा प्रश्न दो महीने पहले किया था और वो आप नहीं बतला रहे हैं, ऐसा कई लोगों का है, और वे हमारे ऊपर संस्था के ऊपर नाराजी जताते हैं। ठीक है उनका कहना, परंतु कार्य सब नियम के अनुसार ही होते हैं, है ना, और जो प्रश्न सार्वजनिक होते हैं उनके उत्तर तो वीडियो बना करके दिए जाते हैं, अन्यथा किसी की प्रश्न की अवहेलना न करते हुए जिस रूप में प्रश्न है, अब भाई को किसी का तामसी प्रश्न है तो उत्तर भी तो उसी रूप में दिया जाएगा, यानी मत दो, किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर ही ये है, फिर आपको बुरा लगे तो ऐसा तो नहीं है, तो उत्तर जो है उसको किस रूप में दिया जा रहा है उसको, फिर आपने जो प्रश्न किया है तो उसकी झेलने की शक्ति रखें कि भाई इसका उत्तर तो आएगा तो फिर हम उसको सुन सकते हैं। भाई किसी हो सकता है कि आपके मन में किसी चीज़ का अधिकार हो और वहाँ वो शास्त्र उसका मना कर रहे हैं, तो क्योंकि आजकल ऐसी बात है, सत्य बात को लोग उसको बुरा ही मानते हैं, सुनना उन्होंने जो है गलत समझ रखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन खूब उसमें जो है चाशनी लगाई है, लेकिन सत्य बात तो फिर बुरा लगती ही है लोगों को, ये है, और सत्य कहना भी चाहिए। बात ये है कि आप लोग जगत गुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नाम से ही हमारे जहाँ जहाँ भी इसके जो खाते खुले हैं, चाहे फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, या जो है टेलीग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, सबका ये ही नाम है, तो आप टेलीग्राम एक ऐप है, हमारे संस्था वालों को वो सुलभ लगता है वहाँ प्रश्न करना, इसलिए उस पर आप जुड़ें और वहाँ प्रश्न करें। प्रश्नकर्ता अपना वर्ण, अपना आश्रम, अपना जिला, नाम और गोत्र अवश्य लिखें। ये लिखने में यदि आपको शर्म लगती है तो भले ही आप प्रश्न न करें, क्योंकि उसका उत्तर आपको सटीक नहीं मिलेगा, किसके लिए क्या करना है तो वो आपको बतलाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर अब हम सबका बताएं, कभी कभी तो यही नहीं पता चलता कि भाई ये स्त्री है कि पुरुष है, उस चीज़ का वो अधिकारी है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये लिखने की बहुत ज़रूरत है, आप ज़रूर लिखें, अन्यथा वो प्रश्नों को फिर डिलीट कर दिया जाया करेगा, तो ऐसा ना करें। देखिए अस्थि संचयन संबंधित बात, प्रायः लोग इन बातों की उपेक्षा कर देते हैं, हमें क्या लेना देना है, ये जो पितृकर्म है इसकी बड़ी महिमा है, देव कर्म से पहले पितृकर्म करना चाहिए, और पितृकर्म करने वाला ही देव कर्म का अधिकारी होता है, अन्यथा उसको अधिकार नहीं है। देखिए पारस्कर गृह सूत्र में परिशिष्ट भाग में श्राद्ध सूत्र के अंतर्गत चौथी खंडिका का जो है भाष्य करते हुए, उसका विवरण करते हुए
वहाँ लिखा गया है 523 पृष्ठ पर कि जब चौथे दिन अस्थि संचयन करना है अथ चतुर्थे यानी संचयन निमित्त को दिष्ट श्राद्धम, वो सब एक बिंड दिया जाएगा दशगात्र के अंतर्गत चौथे दिन। तो ये कहते हैं कि पालास वृंतेन अस्थीन प्रकटानि कृत्वा, तीर्थों में होता है अस्थि विसर्जन तो वहाँ किसी का दहन किया, बाद में सब राख वाख वो सब बहा देते हैं तीर्थ के जल में, गंगा जी में या किसी भी तीर्थ में, परंतु किसी ऐसे जगह पर जो दहन हो रहा है शमशान पर तो वहाँ जला करके छोड़ जाते हैं जब चिता ठंडी हो जाती है। तो चौथे दिन की बात कर रहे हैं कि पालाश पत्ते के डंठल से या पालाश के डंठलों से, लकड़ी के डंठलों से, और वृंतेन अस्थीन प्रकटान, और उसमें से राख हटा करके उन अस्थियों को एक तरफ निकालना चाहिए पालाश की लकड़ी से, और अंगुष्ठ कनिष्ठिका भ्याम आदाय, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से उनको उठाना चाहिए, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका इन दो उंगुलियों से उठा उठा करके वह उच्चता से निकालना चाहिए। रखना किस में चाहिए उठा करके, तो वो बतलाते हैं कि पलाश पुटे प्राशन, और पलाश का दोना, पलाश यानी छोला होता है उसके पत्तों का बना हुआ जो दोना है उसमें उनको रखना चाहिए। फिर जब सब अस्थियों को बीन लेवे उसमें एकत्रित कर ले तब तत्र समी शैवाल कर्दमानाम च प्राशनम, और उसमें शमी के पत्ते जिसको छौकुर कहते हैं उसके पत्तों को, और शैवाल मान किसी कुंड जलाशय तालाब में जो ऊपर काई लग जाती है उसको शैवाल कहते हैं, उसको उसमें डालना चाहिए। ततो घृतेना भ्यज्य, और उसमें वो घृत डाल करके फिर उन अस्थियों में अभ्यज्यन कर दे यानी मिला देना चाहिए, उनसे चिपड़ देना चाहिए। सर्व सुरभि भी यानी समस्त सुगंधित पदार्थ जैसे चंदना अगर कर्पूर केसर कस्तूरी का भिर मिश्रणम, ये चंदन अगरु कर्पूर केसर ये सब उसमें डाल करके कस्तूरी आदि डाल के मिला देना चाहिए। फिर दक्षिण पूर्वायताम करशूम खात्वा तत्र कुशास्तरणम, अब वो दक्षिण और पूर्व का ये जो स्थान है यानी अग्नि कोण में, और फिर वहाँ उसको गाड़ते हैं, गड्ढा खोदना उसमें कुशा रखना और वहाँ गाड़ देना उन हड्डियों अस्थियों, हड्डी का ही नाम अस्थि है संस्कृत में, तो वो वहाँ गाड़ने का है। कब गाड़ने चाहिए, जब कोई अभी ले जाने वाला नहीं हो अस्थियों को, गंगा जी में प्रवाहित करने वाला नहीं हो तो उनको गाड़ करके रख दे, और जब जाने का बने फुर्सत बने तब फिर उनको और गंगा जी में विधि पूर्वक वहाँ उनका विसर्जन होना चाहिए। लेकिन यदि बन जाए तो अस्थियों को गंगा जी में 10 दिन के अंतर्गत ही पहुँचा देना चाहिए। ऐसा फल लिखा है कि जो कोई अस्थियाँ जिन किसी मृतक पुरुष की मृतक व्यक्ति की स्त्री माता पिता की जो अस्थियों को पुत्र आदि विधि पूर्वक 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में पहुंचा देते हैं तो उनको वही पुण्य मिलता है जैसे कि गंगा जी के तीर्थ में ही गंगा जी के किनारे उनकी मृत्यु हुई हो और वहीं उनका संस्कार हुआ, इसलिए वहीं तुरंत ले जाना चाहिए। ये मदन रत्न में वृद्ध मनु का वचन है, मदन रत्न जो है निबंध ग्रंथ है कि दशाभ्यंतरे यस्य गंगा तो ये मज्जति गंगायाम मरणम यावत् तादृक फलम अवाप्नुयात्। दशाभ्यंतरे दस दिन के भीतर गत यदि ऐसा हो जाता है तो उनको ऐसा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जल्दी ले जाना चाहिए। और अब कौन कौन जाए इस मुख्य बिंदु पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से मुख्य रूप से भी जिसने जो है दाह संस्कार किया है उसके विशेष नियम बतलाए गए हैं।
तो उसको यात्रा करना परिवर्जित है, उसको तो गंगा जी में भी नहीं जाना चाहिए। उसके इतने कृत्य हैं सुबह शाम के और मध्यान्ह के भी कि वो उनको ही करेगा, उसमें ही पूरा दिन हो जाएगा। इसलिए वो तो घर पर रह करके 10 दिन तक वो दशाह कृत्य करे, वो बाहर नहीं जाए। और प्रायः वो ही जाता है बाहर, वो नहीं जा, उसको नहीं जाना चाहिए। तो और लोग जो भी और भाई हैं जो मृत हुआ है, उसके और जो पुत्र होंगे उनमें से किसी को भी जाना चाहिए। और ध्यान रहे, बीच वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, ये कोई निषेध नहीं है। पिता के लिए सभी पुत्र उसी वीर से उत्पन्न हुए जिससे बड़ा और छोटा हुआ था। तो यद्यपि मुख्य क्रिया करने का सर्वप्रथम ज्येष्ठ का अधिकार है, तो वो ज्येष्ठ ने तो दाह किया और वो अब 10 दिन तक कर्म करेगा, उसके बाद जो भी पुत्र हैं उन सबका अधिकार है। अधिकार की भी हमने चर्चा की है कि कौन सा पुत्र पिता का जो है संस्कार करे। इस वीडियो को सुनिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये मुख्य बात है। और जो बारात को ले जाना, सब माता बहनों को इकट्ठा करके गंगा जी घुमाने के लिए ले जाना, और वहाँ जा कर के फिर पिकनिक मनाना, और जो इधर उधर खेल कूद करना, फोटो वोटो खींचना, और बड़े मलमल के नहाना, और ये सब वहाँ जो है ऐसा उत्पात मचाना एक तरीके का शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, ये सब निषिद्ध है। एक व्यक्ति जाए और वो वहाँ तीर्थ पुरोहित को अवश्य ले वे और वहाँ ले करके और वहाँ प्रक्षिप्त करे, तीर्थ पुरोहित को अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवे। और अपने यहाँ से कोई पंडित ले जाना चाहते हैं तो विधि पूर्वक कराने के लिए उनको भी ले जाए, उनको भी अलग से दक्षिणा दे। और वहाँ जो है लिखा हुआ वित्त साठ्य विवर्जितम, श्राद्धों में जो है धन की सठता नहीं करे, यदि किसी के पास है तो धन की कंजूसी नहीं करे, खूब उसमें जो है विनियुक्त जो है धन को होना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। इस दृष्टि से ये लोगों का बहुत संख्या में जाना ये सब निषिद्ध है। इसकी कहीं भी विधि नहीं है, जबकि निषेध ही है, क्योंकि न कुरिया श्राद्ध विस्तरम, श्राद्ध विस्तरम विवर्जितम, श्राद्ध में विस्तार का परिवर्जन कर देना चाहिए। किसी भी रूप में श्राद्ध में ज़्यादा भोजन बनाना, ज़्यादा लोगों को निमंत्रित करना, श्राद्ध में ज़्यादा लोगों को बुलाना, ज़्यादा जो है उसको बड़े उत्सव में मनाना, ये सब परिवर्जित है। क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो विधि है उसका पालन नहीं हो पाएगा, स्पष्ट बात। जो विधि है उसका पालन होगा नहीं, इसी में जो है काम निकलता रहेगा, समय निकलता रहेगा। तो वैसे भी तीर्थ यात्रा वर्जित है, 10 दिन है अभी, अभी तो आशौच लगा हुआ है पूरे परिवार को गंगा जी में जाने का, और वहाँ जो है अस्थि विसर्जन करने का तो विधान है, उसका विशेष फल है 10 दिन के अंतर्गत। इसलिए 10 दिन में पहुँचाने की बात है, किसी देव मंदिर में, किसी अन्य तीर्थ में या कोई विशेष यात्रा है, ये सब परिवर्जित है। किस मृतक प्राणी के परिजनों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी हम जो है एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग सुने कि क्या क्या वो नियम करना चाहिए। और ये पहले से ही सुन करके रखें, ऐसा नहीं है कि कभी कोई हो जाएगा तो हम सुन लेंगे, ऐसा बहुत लोगों का है भाई। मृत्यु से पहले ही मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है हर परिवार में कुछ लोग जन्मेंगे, हर परिवार में कुछ लोग मरेंगे, आप और हम भी कब कहाँ चले जाएं कोई पता नहीं। इसलिए संत महात्माओं का, सज्जनों का, विद्वानों का, संहिताओं का, सबका ये समुपदेश है कि हर समय ये दो वस्तुओं का याद रखना चाहिए, है ना, मृत्यु का और भगवान श्री हरि का, कि हम कब चले जाएं कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करें, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हर हर महादेव।